नमस्कार, टुडे समाचार में आप सबक टिके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। कानून विपरीत भोग चलन आ हड़पल दिल जगह सबके विस्तृत विवरण पठाव गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश दिल गए। मुख्य प्रश्न स गृह मंत्रालय देश भर हड़पल गेल जगह आ कानून विपरीत भोग चलन भ रहा सरकारी तथा सार्वजनिक जगह के विस्तृत विवरण पठाव लेल 77 जिला प्रशासन कार्यालय के निर्देशन दिलक है। मंत्रालय सब प्रशासन कार्यालय सबके परिपत्र करते सरकारी जगह हानि नुकसान के लिए आ कानून विपरीत प्रयोजन में भोग चलन के लिए ऊपर कार्यवाही के लिए विवरण संकलन करित पठाव लेल निर्देशन दिलक है। संगे यह जगह हिना मिना केने के कार्यवाही के दायरा में आना लेल संबंधित निकाय सन समेत आवश्यक समन्वय कर गृह प्रशासन के निर्देशन देने है। कोई गोटे निजी हक दर्ता भोग चलन में रहल बाहर के सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहल एनाली संधिस्पन गौरचरण घाट आदि जगह सब कानून विपरीत कोई गोटे अपन नामे दर्ता केने व खास उद्देश्य संगे प्रयोजन के लिए कोनो संस्था के भोग चलन व नियंत्रण में रह जेहन सौंपल गेल व जिम्मा देने सार्वजनिक आ सरकारी जगह सब बल जब्ती अतिक्रमण व कब्जा कर निजी रूप में दर्ता केने दाखिल खारिज व चलन चलाई हक हस्तांतरण केने लंबा समय धरि नियंत्रण बाहर रहल जेहन लीज में देने व उद्देश्य विपरीत रुचि कायम कर दुरुपयोग केने भेटल अत कार्य केने व्यक्ति के कानून बमोजिम कार्यवाही कर पूर्ववत सरकारी सार्वजनिक संधिस्पन एलानी आदि रूप में कायम कर प्रयोजन के लिए इस संबंधी सत्य तथ्य सूचना सहित के विवरण संकलन करित गृह मंत्रालय में पठाव आ इस कार्य केने ऊपर प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ावे लेल संबंधित सरोकार वाला निकाय सन समन्वय कर सब जिला प्रशासन कार्यालय के पत्राचार कैल गेल। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। धनुषा में सशस्त्र प्रहरी अवैध रूप में चोरी पैठारी को आनल गेल खाद्यान्न सामग्री सबके कटाई केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल धनुषा अवैध चोरी पैठारी को आवत जावत में कटाई केने अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 8 गन हेडक्वार्टर धनुषा के गणपति दर्शन गिरी नेतृत्व संहारने बाद अवैध चोरी पैठारी में कटाई कैल गेल जानकारी देल गेल अछि। सीमावर्ती क्षेत्र में कड़ाई भीड़ संगे 3 दिन में 10,20,000 रुपया मूल्य बराबर के तस्करी के अवैध सामग्री सब बरामद कैल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल अनुसार जानकारी देनी है। बरामद कैल गेल सामग्री मध्य दारू किराना लता कपड़ा लगात के विभिन्न सामग्री सब रहल। सशस्त्र प्रहरी बल अनुसार जानकारी देलक अछि। सरलाही में ट्रैक्टर दुर्घटना में भेला से ई ट्रैक्टर बागमती नहर में खसला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। संगे अमे पड़ के अन्य 7 गोटे घायल से हो गेल। संग घायल मध्य 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल अछि। मृत्यु भेल में ट्रैक्टर धनी समेत रहल चालक 12 के गढ़ीमाई नगर पालिका 9 के 55 वर्षक जयलाल सहनी आ मजदूर रहल 50 वर्षक रामनाथ सहनी रहल। सैन सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता DSP देवेंद्र पजियार थारू के अनुसार सरलाही में आलू खन मजदूर सवार रहल आब रहल नंबर नहीं खोज सकल ट्रैक्टर अनियंत्रित होते बरहतवा नगर पालिका 15 स्थित बागमती नदी के नहर में खसल अछि। दुर्घटना में पड़ कर 12 गढ़ी माई के 17 वर्षक आकाश सहनी 12 वर्षक किशन सहनी 48 वर्षक गर्भी देवी सहनी 45 वर्षक सुखली देवी 18 वर्षक नितेश सहनी अना 16 वर्षक किशोरी अंजलि कुमारी संगे 67 वर्षक वृद्ध रामप्रसाद सहनी घायल भेल। DSP थारू जानकारी देने सैन आकाश सहनी आ किशन सहनी के अवस्था गंभीर रहल। DSP थारू जानकारी दिलथ दोनों गोटे के थप इलाज के लिए वीरगंज रेफर कैल गेल अन्य के गौड़ आ गरुड़ा में इलाज भ रहल अछि। दुर्घटना के विषय में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देने अछि। पूर्व प्रदेश सभा सदस्य एवं आम जनता पार्टी आजपा के उप महासचिव कुंदन कुशवाहा सहित के नेता सब नेकपा एमाले में प्रवेश कलक अछि। आजपा के केंद्रीय सदस्य अरविंद कुमार यादव संजय कुमार शाह अहिना सरफलाल महतो दीपक कुमार दुबे आ सुरेंद्र प्रसाद चौधरी नेकपा एमाले में प्रवेश केने सैन। आई केंद्रीय कार्यालय च्यासल में आयोजित कार्यक्रम में एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओली इनका सबके स्वागत केने सलै।
सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा लघुवित आ सहकारी के साथे मीटर ब्याज पीड़ित के समस्या समाधान कर गंभीर रहल जिक्र कलन। बृहस्पति दिन संसद भवन नया बानेसर में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री शर्मा सरकार लघुवित आ सहकारी के साथे मीटर ब्याज पीड़ित के समस्या समाधान के लिए आवश्यक पहल कर रहल जिक्र कलन। ओ ऐसा पहिने से हो आयोग बनाकर मीटर ब्याज पीड़ित के समस्या समाधान के प्रयास कैल गल कहत बाकी पीड़ित सबके समस्या से हो समाधान हैत प्रतिबद्धता जनौने शन व्यवहारिक रूप में पड़ल समस्या सबके यकीन कर समाधान हैत हिंकर कहब। कानून अनुसार प्रशासन कार्यालय में कर्मचारी व्यवस्थापन करत आयल समस्या समाधान करवाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल हिंकर कहब। सर र अहिले फेरि कहिन ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा समस्याको समाधान नभएको भन्ने कुरा पनि आयो र अहिले मिटर ब्याज पीडितहरू अब काठमाडौँमा आइसक्नु भएको छ भन्ने अभि छ र सरकारले गम्भीरतापूर्वक दिएकै छ यसलाई समस्या समाधान गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढेर बुझिरहेको छ यो समाधान गर्नै गर्छ यो समस्या समाधान नगर्ने गरेर सोच्नु पनि हुँदैन र व्यावहारिक रूपमा आएर समस्या परेको हौँ त्यो समस्या सबैलाई एकिन गरेर अब कानुन रूपमा हामीलाई समस्या छैन त्यस कारणले गर्दा हामी समाधान गर्नु सरकार गम्भीर छ गम्भीर नभएको तर होइन सासु नदेखाएको भन्ने होइन उहाँ अरू हो उहाँहरू यहाँ नआउनु भएको भए पनि हुन्छ सम्बन्धित ठाउँमै आन्दोलनै गरेको आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो त्यही पनि गर्न सकिन्थ्यो तर उहाँहरू अहिले सक्नु भइसक्यो पछाडि अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन भने चाहिँ हिजोबाट प्रधानमन्त्री पनि बोलिसक्नु भएको छ यो विषयमा त्यस कारणले गम्भीरतापूर्वक लिएर उहाँहरूको छलफल गरेर यो समस्यामा समाधान गर्नु एउटा त मूल कुरा त कानुनी विधि हो कानुन पनि हामीले बनाइनै सक्यौँ होइन त्यसपछि जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत त्यो पनि अब एउटा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरेर यी सबै आउने समस्याहरूलाई समाधान गरेर जानुपर्छ होइन सरकार त्यहाँ एउटा दृष्टि रोल हो र त्यो अनुसार बहिन ठाउँमा समस्या समाधान भइपुगिरहेका छन् तर अपन सबके समस्या समाधान भेल कहत लघुवित तथा वित्तीय शोषण विरोध के संघर्ष समिति नेपाल के अगुवाई में देशभर के मीटर ब्याज आ लघुवित पीड़ित सब काठमांडू आयल छन। इस सब गोटे लघुवित आ वित्तीय संस्था खारेजी के साथ सामूहिक ऋण मीना कर कालो सूची तथा धितो नीलाम खुकवा कर लगायत के मांग आदा सारने छन। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं सांसद डाक्टर चंद्र भंडारी जनता के लिए काज कर नहीं सकल कारण व्यवस्था ऊपर अखन प्रश्न उठ लागल जिक्र कलन। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में विशेष समय में भंडारी देश में अधिकार संपन्न संविधान बनलो पर तीनों तह के सरकार जनता के लिए काज कर नहीं सकला कारण व्यवस्था ऊपर अखन प्रश्न उठ लागल जिक्र कलन। ओ सरकार के काम ठेक्का पट्टा आ स्वार्थ पूरा करे मात्र नहीं भेल जिक्र सेहो कलन। भंडारी गलत आर्थिक नीति के कारण सीमित व्यक्ति के हाथ में देश के अर्थतंत्र पुगला से देश के विकास होब नहीं सकल धारणा सेहो रखलन। शुरू कैल गेल विकास निर्माण सब समय में संपन्न होब नहीं सकल हेठौड़ा सीमेंट उद्योग के प्रभावकारी संचालन होब नहीं सकल संगे किसान मॉल व्यू आ बाजार के लिए सदैव मांग कर पर अवस्था के अंत कर परत हिंकर कहब। सर मेडम जी थानी 63 अरब को योजना आज लथालिङ्ग छ जैले सुकै तपाईलाई उद्घाटन मात्रै हुन्छ यिनी सडकहरू त्यही हालतमा छन् भवनहरू त्यही हालतमा छन् सबै बनाए कुनै पनि राम्रो तरिकाले सम्पन्न भएका छैनन् त्यहाँ कानुन पस्न सक्दिन सभामुख हुँदै त्यहाँ कसैलाई केही पनि हुन सक्दैन यो अवस्थामा हामी यो मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ यसको बारेमा हामी संवेदनशील हामी कहिलेबाट हुन सक्छौँ यो स्थिति हामीले हेर्नुपर्छ हामीले अर्कोतिर सभामुख गर्दै विगतमा हामीले निजीकरण गऱ्यौँ निजीकरण हामीले गरेका थियौँ त्यो निजीकरण उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ बासगारीको जग्गा वितरण गर्नलाई व्यक्तका निम्ति गरेका थिएनौँ व्यक्तिको नाममा ल्याउन गरेका थिएनौँ भेकोटी कारखाना सञ्चालन गर्न गरेका थियौँ हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनका निम्ति गरेका थियौँ जुट मिल सञ्चालनका निम्ति गरेका थियौँ आज ती सबै लथालिङ्ग भएका छन् त्यो उद्योगहरू भत्ताभङ्ग भएका छन् भण्डारी कृषि क्षेत्र में रहल बिचौलिया सबक बिग बिग की अंत करत अ क्षेत्र के विकास करो पर जोर दिलन। नेकपा माले के सांसद सूर्य बहादुर थापा रूस यूक्रेन युद्ध में मारल गेल नेपाली के अवस्था संबंध में जानकारी कराबे लेल मांग केने छथि।
प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में विशेष समय में बाजल और रूस यूक्रेन युद्ध में रहल नेपाली सब के अवस्था अज्ञात रहल संगे परिवार के सदस्य सब अब पीठा में पड़ल जिक्र करत ई स्थान में रहल नेपाली सब के अवस्था संबंध में जानकारी कराब मांग कलन। सयों के संख्या में रूसी सेना में नेपाली सब रहलो पर हिंकर सबके अवस्था पता लगाब परराष्ट्र मंत्रालय असफल रहल हिंकर कहब सल ओ नेपाली सब रूसी व यूक्रेन सेना में पहुँचाब अवस्था के छानबीन कर धारणा सेहो रखलन। शांति एवं समझदारी को पक्ष में रहकर मूलुक हो तथापि युक्रेनलाई नेटो को सदस्य बनाने पश्चिमाहरुको चाहना तथा त्यसैका निम्ति युद्धमा झोक्ने स्वार्थ एवं नेटो को सदस्य बन्दा आफ्नो सुरक्षामा खतरा बन्न सक्ने आशंकामा रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको विश्वले मूल्य चुकाउनु परेको छ। नेपाली युवाहरुले यही कारण आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको छ र बत्तीमा पुतली परे जस्तो अवस्था हुन पुगेको छ। आज 10,000 भन्दा बढी 15,000 भन्दा बढी नेपालीहरुले युद्धमा चाहिँ आफूलाई पुर्याएका छन्, रुसी सैनिक बनेका छन् र ती कुनै फर्किन सक्ने अवस्था छैन भन्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो स्थितिमा र नागरिकको सुरक्षा गर्न युद्धमा चाहिँ मानव तस्करहरूले पुर्याएको यो चाहिँ जन्जालबाट मुक्त गर्न र आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित फिर्ता गराउन, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न, मृतकहरूको शव परिवारलाई पुर्याउन र मृत्युको खबर आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउन सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ यो सदनलाई जानकारी गराउनु पर्छ। म यो माग गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीके सांसद डाक्टर तोसेमा कार्की रोगी सबै त्यार सेवा शुल्क सरकार तोकर्न सकल कारण मनोमानी रूपमा शुल्क असुली भ रहल जिक्र सेहो कलन। रोगी 5 गुणासँ अधिक महग शुल्क तिर पर अवस्थामे रहल कहत ओ आम नागरिक अस्पतालमे इलाज आ खर्च नै देलासँ बन्धकके रूपमे स्वास्थ्य संस्थासँ वर्गीकृतके आधारमे शुल्क निर्धारण कर सेवा माग सेहो कलन। किन उपचार कुन परीक्षणको कति लाग्छ न शुल्क निर्धारण छ न नियमन। अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले आफू खुसी शुल्क तोकिरहेका हुन्छन्। निजी मात्र होइन सरकारी अस्पतालमा समेत शुल्कको एक रूपता छैन। संविधानको धारा 35 उपधारा 2 प्रष्ट बोलेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने हक हुनेछ भनेर। संविधानको प्रावधान अनुसार कस्तो उपचार हुन्छ, कति शुल्कमा हुन्छ र त्यसका जोखिमहरू के हुन्छन् भनेर प्रत्येक नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ। यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो। स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अनुरूप अस्पतालले हरेक सेवा शुल्कको बारेमा नागरिक बडा पत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ। तर अधिकांश निजी अस्पतालले यो नियमको पालना गरेका छैनन्। कतिपय अस्पतालमा त अस्पतालको पैसा तिर्ने झ्यालमा पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ कति कुन अपरेसनको कति पैसा पर्छ, कुन टेस्टको कति पर्छ भनेर। त्यो पनि अस्पतालै पछि फरक फरक छन्। सभानुज महोदय होइन, जनमत पार्टीकै अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत देशमी सरकार असफल जहिन भ रहल आ संसद 4 दलके रबर स्ट्याम्प बनल आरोप लगौलन्। ओ सत्ता गठबन्धन भित्र जनताके मुद्दासँ अधिक विपक्षीके केना कऽ प्रतिरोध कयल जाय मात्रै केन्द्रित रहलासँ देश बनाब विषयमे छलफल कर ओ जोड देलथि। त्यसतातिर मात्रै ध्यान दिएछु। जसरी जङ्गबहादुर राणाले रगतको हालमा खेलेर आफ्नो राज्य व्यवस्था ल्याएका थिए र अन्तिम समयमा आफै सेतो बाघबाट त्रसित हुनु परेको थियो, त्यस्तै नै अहिलेको शासन व्यवस्थाबाट यही व्यवस्था ल्याउनेहरू नै त्रसित भएको अवस्था, सेतो बाघ नै देखिने अवस्था सृजित भएको देख्छु। र त्यति मात्र होइन, कुनै पनि युवाले, दुईजना युवाले विदेश जान पाउँ भनेर अनुरोध गर्दा पनि त्यसमा पनि मेरो गणतन्त्र ढाल्न आयो कि, मेरो लोकतन्त्र ढाल्न आयो कि भनेर सेतो बाघ देख्ने षड्यन्त्र यहाँ चाहिँ शासकहरूमा देखिँदै आएको छ। यहाँसम्म कि हामीले कसैले धोती लाउँदा पनि त्यसमा पनि षड्यन्त्र देख्छ। हाम्रै शिक्षा मन्त्रीले, मध्य प्रदेशको शिक्षा मन्त्रीले प्रमुख अतिथिलाई फुल दिन जाँदा पनि हाम्रो गठबन्धन भत्काउन लाग्यो कि भनेर गृह मन्त्रालयले लाठीचार्ज गर्ने आदेश दिएर टोको फुटोनेसम्म काम गर्दछ भने यस्तोसम्म चाहिँ शासकहरूमा त्रासको वातावरण बनेको छ कि चारैतिर जताततै पनि आफ्नो शासन व्यवस्था ढाल्न आयो कि भनेर सेतो बाघ देख्ने षड्यन्त्र मात्रै आएको छ। होइन, सांसद सुनिता बराल लघुवित मिटर ब्याज पीडितकै मागमै गम्भीर होब धारणा राख्दै सँगै माओवादी सांसद नारायणी शर्मा संक्रमणकालीन न्यायके विषयके सेहो जल्दी निर्णय लगाब माग कयने छलिन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बसेत अपने पदमे रहल वा नै रहल शिक्षासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमे निरन्तर काज गरब जिक्री कलन।
बृहस्पति काठमाडौँ के गोकर्णेश्वर नगरपालिका चारमे स्थापना कैल गेल गोकर्णेश्वर नगर अस्पताल शहीद मुकेश क्यास्त इंजुरी सेंटर के शिलान्यास करते मंत्री बस्नेत अपने शिक्षा आ स्वास्थ्य के क्षेत्र के विकास लेल सदैव काज करब संगे निक काज कर स्थानीय सरकार के सरकार पूर्ण सहयोग करत समेत जानकारी दिलेन। संविधान हरेक जनता के स्वास्थ्य इलाज के गारंटी केला से पैसा नहीं रहल कारण किनको अपन जान गुमाव अवस्था आव नहीं देव जानकारी देने सहित अहिना ओ चिकित्सा शिक्षा एन जल्दी परिमार्जन भेल संगे अधिक गोटे स्वदेशी में चिकित्सा पढ़ सक अवसर पैत दावी से हो के लेनु अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर हस्पिटलको बरन्नाबाट फरार आत्महत्या गरे मरेको पनि कहानी छ। घर फर्केर घर घर मृत्युवरण गरे पनि छ पूजा गर्न नपाएर। संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने हामी भाषण गर्न नछोड्ने तर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी गरिब विपन्नहरू आर्थिक अभावको कारणले मान्छे मर्नुपर्ने यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा यो उचित कुरा होइन। त्यसकारणले म आएपछि अब नेपाली जनता पैसा नभएको कारणले स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर मर्नु पर्दैन त्यो राज्यले जिम्मा लिन्छ राज्यको प्रतिनिधि भने चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री म लिन्छु भनेर मैले देखिदिन महाकालीसँग सबै प्रदेश र धेरैवटा जिल्ला घुमेर म भनेर आएको छु र अहिले त्यसका लागि व्यवस्था गर्न सबै अस्पतालहरू प्राइभेट सरकारी र सामुदायिक द यो कम्युनिटी अस्पताल पनि हामी भन्छौँ सबैमा 10% उपचारसहितको बेड गरिब र विपन्नहरूको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो स्थापना कालदेखि भएको थिएन म आएपछि यसलाई बनाइदिई काम लाग बृहस्पति दिन शिलान्यास भेल ई नगर अस्पताल 1500 के रहल अछि। अस्पताल निर्माण के लेल सरकार 22.5 करोड़ रुपया बजट विनियोजन केलक अछि। ललितपुर के बालकुमारी में दू गोटे के मृत्यु भेल सहन भेल घटना में दोषी देखल गेल के कार्यवाही करब मांग करते रासपा आ राप्रपा विरोध जनौलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल प्रतिनिधि सभा राज भक्त श्रेष्ठ बालकुमारी घटना के प्रतिवेदन नुकाकर सरकार दोषी के बचाव खोजने आरोप लगौलन। ओ ई प्रतिवेदन सार्वजनिक करब मांग समेत केने छन। सांसद श्रेष्ठ सरकार संसद प्रति जिम्मेवार नहीं रहल आरोप लगौलथ। सांसद श्रेष्ठ घटना में दोषी रहल मंत्री के कार्यवाही नहीं भेल रासपा संसद अवरुद्ध करत चेतावनी समेत दिलक संगे राप्रपा सांसद ज्ञान बहादुर शाही बालकुमारी घटना हत्या रहल प्रधानमंत्री जिक्र केने कहत मंत्री प्रकाश ज्वाला आ गोली चलने आदेश देने गृह मंत्री के कार्यवाही कर जानकारी दिलन। ओ अदालत पकड़ाओ पूर्जी जारी केने व्यक्ति से प्रधानमंत्री संग चाय पीब रहल कहत प्रधानमंत्री देश के अदालत से ऊपर इचकी प्रश्न समेत केने चलन। सूचना दिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्नुहुन्छ र केही कारवाही गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरे अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। त्यो प्रतिवेदनको उहाँको अध्ययन कहाँ पुग्यो? 3 दिन भइसक्यो सभामुख महोदय, त्यो प्रतिवेदन के भयो? सभामुख महोदय, यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो। मैले के मात्र निवेदन गर्न खोजेँ भन्दा संसदप्रति नै सरकार जवाफदेही हुँदैन भएदेखि मुलुकले कस्तो नेतृत्व पाइरहेको छ? सभामुख महोदय, अब ती दुई युवालाई युवाको परिवारलाई सरकारले के दियो होइन 10 लाख दियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब उसको परिवारलाई पनि हेरेछ हामीले शङ्काका सुविधा दियौँ। बाबु महोदय, देश आज टाट पल्टिएको छ। अहिले पनि मिटर ब्याज पीडितहरू आएर आन्दोलन गर्न पनि पाएका छैनन्। साथसाथै अहिले पनि विकास योजनाहरू अल्पत्र परेका छन्। यसो प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ? अपराधीलाई पक्राउ गरे भन्नुहुन्छ, तर सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मान्छे मारेको हत्याको केसहरूमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाइरहेका छन्, कुममा कुम जोडेर हिँडिरहेका छन्। के प्रधानमन्त्री यो देशको अदालतभन्दा ठुलो हो? अर्कै अहिना सांसद शाही ललिता निवास प्रकरणमे बड़का व्यक्ति सब उन्मुक्ति पेने आ व्यापारी सबके ब्लैकमेल करबाक लेल नियन्त्रणमे लेल गेल जिक्र कयलनि। दूध किसान सब दूध के रकम भुगतानी आ बिक्री वितरण सहजीकरण करब मांग रखैत आंदोलन के घोषणा कयलक अछि। दूध उत्पादक
किसान सब विभिन्न संघ संस्था सब बृहस्पति दिन काठमांडू में संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन करते विभिन्न 16 बुंदे मांग के साथ आंदोलन के घोषणा कने अच्छी। इस सब गोटे किछ समय से उत्पादित दूध मध्य प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध बिक्री वितरण होबे नहीं सकल अवस्था में बिक्री कैल गेल दूध के करीब 6 अरब बराबर के बकौता रकम दूध विकास संस्था लगात निजी डेयरी उद्योग सब किसान के नहीं देने जानकारी देने सलन। इस सब गोटे दूध के बाकी बकौता भुगतानी कर किसान उत्पादन के ने दूध खरीद कर व्यवस्था मिलाव संगे दूध के बिक्री मूल्य निर्धारण कर अना बिक्री नहीं रहल दूध के पाउडर बनाकर देश के मिल्क होलीडे होब से रोक बीमित किसान सबके बीमा रकम भुगतानी कर व्यवस्था लगात मांग आगा सारलक अपन सबके मांग पूरा कर शीर्ष नेता सबके ज्ञापन पत्र बुझाएब देश भर के प्रशासन कार्यालय में धरना सहित ज्ञापन पत्र बुझाएब अना मुख्य राजमार्ग समेत चक्का जाम कर आ फागुन 21 गते से निरंतर रूप में माइती घर में धरना सहित विरोध के कार्यक्रम करब नेपाल दूध व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रहल विश्वराज घिमरे जानकारी देने सहित समस्या समाधान का लागि आंदोलन में उतरन हमी बाध्य भएका छौं। नेपाल सरकार समक्ष हाम्रो माग एक दूध को भुक्तानी गर्न बाकी बप्यौता रकम तुरंत भुक्तानी गरियो नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गरियोस् दूधको खरिद मूल्य मात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गरियोस् बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोकियोस् नेपाललाई पूरै रोगमुक्त घोषणा गरी दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरी बजारको खोजी गरियोस् नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाका निकायहरूले नेपाली दूधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ नेपाली किसानबाट पत्रकार सम्मेलन में केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटा बाजार में पठायल गेल दूध के बकौता उठन नहीं सकल जानकारी देने वो दूध किसान सब अखन के अवस्था में माल में पड़ल कहते राज्य के ध्यान देव पर धारणा रखलन सहकारी दैनिकी 12 लाख लीटर संकलन के वितरण भ रहल अवस्था में अखन दूध ही बिक्री होब नहीं सकला से बाट जाम कर अपने सब बाध्य रहल हिनकर कहब अछि। हाम्रा नेपालमा अहिले 30 लाखभन्दा बढी चाहिँ दुध दुने गाई भैँसी पालेर दुध दुने किसानहरूको चाहिँ परिवार हुनुहुन्छ त्यो सदस्य होइन परिवार हुनुहुन्छ र अहिले हामी चाहिँ अब विशेष गरी म केन्द्रीय दुध सहकारी सङ्घको प्रतिनिधिको हिसाबले यहाँ बोलिरहँदा अहिले हामीसँग 2000 भन्दा बढी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू हुनुहुन्छ 65 जिल्लामा सदस्य संस्थाहरू छ र हामीले करिब 12 लाख लिटर चाहिँ सहकारीले मात्रै चाहिँ दुध परीक्षण गरिरहेको छ र त्यो दुधलाई विभिन्न उद्योगहरूमा चाहिँ हामीले दिनेगर्छौँ त्यो डिडिसी हो अरू प्राइभेट डेयरीहरू सबै डेयरीहरू छन् हामी त्यहाँ दुध दिने गर्छौँ र अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ अब विगतदेखि नै समस्याहरू थिए समस्या नभएको होइन तर अहिले आएर एउटा चाहिँ यी सबपोटे अखन दूध उत्पादन क्षेत्र में देखल गेल समस्या ऐसे पहिने कहीं नहीं देखल गेल कहित उपराध सेहो सुनौलन संगी सबोटे नेपाल सब भारत में दूध सस्ता रहला से सीमावर्ती नाका होइत दूध आयला से नेपाली दूध के बाजार घटल जानकारी देने नेपाल में हाल 65 से 70 रुपया लीटर दूध उत्पादन भेल तथ्यांक रहल से करीब 30 लाख घर परिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दुग्ध किसान सब संलग्न रहल अछि। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार आई सोन चांदी के दाम घटल सोन के दाम आई 400 रुपया से घटल सोन के दाम आई तोला के 1,18,000 रुपया निर्धारण कैल गेल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देनी अछि। अहिना चांदी के दाम आई 15 रुपया से घटल चांदी तोला के 1,400 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देने बेस्ता टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित भेटा करब तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगी देखते रही टीवी टुडे जनकपुर नमस्कार।